अस्सलाम वालेकुम। यमी क्विक रेसिपीज़ में आज मैं बनाने जा रही हूँ हमारा रिवायती मीठा यानी कि शीर खुरमा, जो ईद स्पेशल तो है ही। तो आइए देख लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 1 लीटर फुल फैट दूध, 65 ग्राम है ये सिवैयाँ जिसको मैंने बारीक चूरा कर लिया है, तकरीबन आधी प्याली से थोड़ा सा ज़्यादा है, 4 टेबल स्पून है स्वीटेंड कंडेंस मिल्क और 5 टेबल स्पून है चीनी। अगर आप कंडेंस मिल्क ना डालना चाहें तो आप चीनी को 7 टेबल स्पून कर लेंगे और फिर दूध को 1.5 लीटर कर लेंगे। सिंपल। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है यहाँ पे पिस्ते, इसको मैं ग्रेट करूँगी, इसको भिगोया नहीं है। बादाम लिए हैं, उसको भिगो दिया था, छिलका उतार दिया, बारीक काटेंगे और फिर फ्राई करेंगे। मैंने खजूर ली है, आप चाहें तो छुआरे ले सकते हैं, और अगर आप छुआरे लेंगे तो फिर आप उसको भी भिगोएंगे, काटेंगे और फिर फ्राई करेंगे। और काजू भी लिए हैं और काजू को भी मैंने भिगो दिया था और अब इसको भी मैं फ्राई करूंगी। और थोड़ी सी इलायची है, 1 टेबल स्पून है असली घी और थोड़ा सा है ज़ाफ़रान। सबसे पहले फ्राइंग का काम स्टार्ट करते हैं। तो घी डाल के और नट्स को सिर्फ इतना ही फ्राई करेंगे कि इसके अंदर जो गीलाहट है वो ख़त्म हो जाए और एक हल्का सा फ्राइंग इफ़ेक्ट आए, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं। बस इसको बाहर निकाल देंगे और जो घी था उसके अंदर ही मैं सिवैयाँ भी फ्राई कर लेती हूँ। जो घी था उसमें से भी मैंने थोड़ा सा घी कम कर लिया था क्योंकि वो मुझे ज़्यादा लग रहा था। बस थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं। बस अब इसको इसी में पड़े रहने देंगे और उसके बाद देखते हैं और क्या किया है। दूसरे चूल्हे पर मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था और इसको उबलते हुए तकरीबन 5-7 मिनट हो गए हैं। और इस तरह से ये जो साइड्स पे लग जाता है इसको आप फौरन के फौरन खुरच लिया करें और दोबारा से पतीले में डाल दिया करें। एक तो ये है कि आपका पतीला धोने का काम आसान हो जाएगा और दूसरा ये है कि इसके अंदर ही फ्लेवर्स होते हैं तो सारे इसी में ही रहें। अब जो सिवैयाँ फ्राई करके रखी थी उसको दूध के अंदर डाल देंगे। कभी भी सिवैयों के अंदर दूध ना डालें क्योंकि इस तरीके से करने से 99% चांस होते हैं कि आपका दूध फट जाएगा। और अगर आप डालना ही चाहते हैं तो फिर सिवैयाँ जब ठंडी हो जाए तब उसके अंदर दूध डालें। अब इसको मैंने हल्की आंच पे पकाने के लिए रख दिया था, तकरीबन 7-8 मिनट हो गए हैं और ये अच्छा थोड़ा सा गाढ़ा सा हो गया है और सिवैयाँ तो पक ही गई हैं। अब इस टाइम पे मैंने इसके अंदर चीनी और कंडेंस मिल्क डाल दिया है और साथ ही इसके अंदर जो हमारे नट्स फ्राई करके रखे थे उसको भी डाल देते हैं। और उसके बाद दोबारा से चीनी पकाने के लिए 5-7 मिनट पकाएंगे और बस ये तैयार हो जाएगा। आसान था ना? कुछ था ही नहीं इसमें तो। अब इसकी कंसिस्टेंसी देख लेते हैं। मुझे चूंकि ये थोड़ा गाढ़ा पसंद है इसलिए मैं अभी इसको बंद करूंगी, लेकिन अगर आपको इसको पतला वाला पसंद है तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध और डालेंगे और चीनी भी उसी हिसाब से एडजस्ट करेंगे। अभी इस वक्त ये काफ़ी पतला है तो हम इसकी डेकोरेशन नहीं कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं, कुछ सजाते हैं अच्छा सा। और अभी देख लें कि ये थोड़ा सा सेट हो गया है, यानी कि हम कुछ चीज़ इसके ऊपर रख रहे हैं तो ये ठहर रही है। इसका मतलब है कि ये अब सजाने का टाइम इसका आ गया है, तो थोड़ा सा अच्छा सा डेकोरेशन करते हैं। मैंने जो खजूर थी उसको बीच में से काट लिया है और इसके बाद सेट कर दिया। साथ ही मैं थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल देती हूँ। आप चाहें तो ज़ाफ़रान पकाने के टाइम पे भी डाल सकते हैं, मुझे चूँकि इसका टेस्ट ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए मैंने सिर्फ ऊपर ही डाला है। और जो पिस्ते थे उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने से ये होता है कि एक तो इसमें बरकत हो जाती है और दिखने में भी खूबसूरत लगते हैं। बीच का थोड़ा खाली हो रहा है इसको भी भर देते हैं और बस। अगर आपको और साथ ही मैं इसके अंदर गुलाब की पत्तियाँ भी डाल रही हूँ, सूखे गुलाब की पत्तियाँ, इससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं कुछ पोस्ट करूँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।